नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं, किसी के अगर गठिया की समस्या है या फिर जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस की समस्या है या शरीर में कहीं भी सूजन है या दर्द है, तो उसको जड़ से समाप्त करने के लिए हमें किन किन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसके लिए चाहिए होगा मेहंदी। जी हाँ, यह रामबाण तरीका है। क्या होता है कि हम सभी जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो हमें बहुत सी दवाइयाँ देते हैं, हमें बहुत जल्दी यकीन हो जाता है और हम ट्रीटमेंट लेते हैं। बहुत बैड कंडीशन में सही भी है, बट अगर पहले से आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और ध्यान में रखते हैं तो आपको जोड़ों का दर्द होगा ही नहीं या शरीर में कहीं भी दर्द और जलन की समस्या नहीं होगी या बहुत सी बीमारियों से आप बच सकेंगे। क्योंकि जब आप दवाइयाँ लेते हैं एलोपैथिक, तो उसका बॉडी पर आपके साइड इफ़ेक्ट भी होता है, खास करके लीवर पर भी जोर पड़ता है। लेकिन ये आयुर्वेदिक औषधियों का फायदा होता है कि आपको साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मेहंदी की पत्तियां लेनी है, इसके अलावा आपको एरंड की पत्तियां लेनी है और इन दोनों पत्तियों को आपको सरसों ऑयल में या फिर आप एरंड के ऑयल में पका लीजिए। जी हाँ, मेहंदी की पत्तियों को, इसके अलावा एरंड की पत्तियों को, इन दोनों पत्तियों को आपको डाल देना है ऑयल में, चाहे सरसों ऑयल हो या फिर एरंड का ऑयल हो, और उसको अच्छे से थोड़ा पकने दीजिए ताकि जो पत्तियों का रस है वो ऑयल में अच्छे से मिल जाए। इसके बाद उस ऑयल से मालिश कीजिए। मालिश करने के बाद आप देखेंगे कि जोड़ों में दर्द हो या सूजन हो या शरीर में कहीं भी दर्द हो तो उससे आपको राहत मिल जाएगी, सूजन से राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर किसी के मान लीजिए बहुत ज़्यादा दर्द है तो उसे क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए कि जो एरंड की पत्तियाँ होती हैं वो बड़ी बड़ी होती हैं, तो ऑयल से मालिश करने के बाद उन पत्तियों की पट्टी लगा देनी चाहिए। जैसे कि घुटनों में दर्द है तो घुटनों पर बांध करके रात भर के लिए सो जाइए, आपके सुबह जब उठेंगे तो सूजन भी खत्म हो गई रहेगी और दर्द से भी राहत मिल जाएगी। ऑयल से मालिश करने के बाद जो पत्तियाँ पकाया है आपने, चाहे तो उसमें थोड़ी सी लहसुन भी डाल सकते हैं और अच्छी बात हो जाएगी, और उस ऑयल से मालिश करने के बाद आप घुटनों पर बांध दीजिए इनकी पत्तियों को, एरंड के पत्तियों को सुबह उठने के बाद खोल लीजिए और सुबह सुबह गुनगुने पानी का सेवन स्टार्ट कर दीजिए तो आपको जोड़ों के दर्द से राहत मिल जाएगी। जितना ज़्यादा सुबह सुबह गुनगुना पानी पियेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और घुट घुट करके पीना है, एक लगातार नहीं पीना है कभी भी पानी, और खड़े होकर के नहीं पीना है। जो लोग खड़े होकर के पानी पीते हैं उन्हीं को ज़्यादा घुटनों की समस्या होती है। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएँ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, हमें बेहद खुशी होती है जब भी आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।